मित्रों नमस्ते, आइए हम बलराम चौरसिया ऑर्लॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग सफल होइए, यही हमारी कामना और कार्य करने का उद्देश्य है। मित्रों, आगामी रेलवे की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, बैंक की परीक्षा, सभी परीक्षाओं में समान रूप से कारगर सिद्ध होने वाली यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप इसको याद करिए और याद करके परीक्षा देने जाइए। बेस्ट ऑफ लक, आपका भी सर्विस जरूर होगा। आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान 25 सितंबर 2018 से शुरू होगी और यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान जो है 25 सितंबर 2018 से शुरू होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। आइए देखिए इसरो के अध्यक्ष कौन है, के शिवर। इसरो के अध्यक्ष कौन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अध्यक्ष हैं के शिवर। देखिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार मध्य प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने संभाल लिया है। छत्तीसगढ़ के, चूंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का देहांत हो गया था और उन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का अतिरिक्त पदभार मध्य प्रदेश के आनंदीबेन पटेल जो वहाँ गवर्नर हैं उन्होंने संभाल लिया है। देखिए एससी एंड एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 लोकसभा में पारित हो गया है 6 अगस्त 2018 को। 6 अगस्त 2018 को एससी एंड एसटी अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 पारित हो गया है। 6 अगस्त को 2018 को लोकसभा में पारित हो गया। देखिए डीएम के प्रमुख और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि का चेन्नई में निधन 7 अगस्त 2018 को हो गया। 7 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया। अब देखिए एम करुणानिधि के बारे में हम बात करते हैं तो इनका जन्म 3 जून 1924 को तिरुवर जिले में हुआ था और इनका मृत्यु देखिए 7 अगस्त 2018 को चेन्नई में हुआ है। करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 13 बार विधायक रह चुके हैं। देखिए तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, के पलानीस्वामी है और राज्यपाल हैं बनवारीलाल पुरोहित। आइए आगे बढ़ते हैं और तमिलनाडु में देखिए राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन है, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, मनार की खाड़ी है, गुड्डी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, सब तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अब देखिए गूगल, गूगल के संस्थापक लेरी पेज एंड सर्गे ब्रिन जो 1998 में इसकी स्थापना हुई थी, इसके सीईओ हैं सुंदर पिचाई। गूगल ने एंड्रॉयड न्यू वर्जन का एक ऐप लॉन्च किया है जिस ऐप का नाम है एंड्रॉयड 9 पाई। एंड्रॉयड 9 पाई के पहले एंड्रॉयड ओरियो 8 वर्जन लॉन्च किया गया था गूगल के द्वारा, अब जो है एंड्रॉयड 9 पाई को लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली के सटे हरियाणा जिला गुरुग्राम को देश का सबसे दूषित शहर घोषित किया है। तो जो है अब दिल्ली के बारे में आप जानिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यहाँ का उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है ये। विधानसभा, दिल्ली विधानसभा ने दिल्ली के लिए अलग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन करने हेतु विधेयक पारित कर दिया है। दिल्ली अपना अलग, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है और यह अपना पब्लिक सर्विस कमीशन को अलग बनाने का विधेयक पारित कर दिया है। जैसे बिहार का बीपीएससी होता है उसी तरह डीपीएससी होगा। देखिए सूचना और प्रसारण तथा युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर हैं, सूचना और प्रसारण तथा युवा और खेल मामलों के राज्य मंत्री हैं कर्नल राज्यवर्धन राठौर, याद रखिए। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात किया जाए तो इसकी दो राजधानी है शिमला और धर्मशाला। देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, श्री जयराम ठाकुर, और यहाँ के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत। अब देखिए यहाँ पे ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। एशियाई राष्ट्रीय कप 2018 शतरंज में ईरान के ब्लिंट में आयोजित टूर्नामेंट हुआ जिसमें भारतीय महिला शतरंज टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। अब देखिए ईरान के बारे में बात किया जाए तो ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ के राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं
और यहाँ मुद्रा ईरानी रियाल है। एक इंडियन रुपीज 610 ईरानी रियाल के बराबर अपना एक इंडियन रुपीज होता है। देखिए भारत सरकार ने 165 देशों के साथ ई वीजा सुविधा लॉन्च की है या शुरू की है। इनक्रेडिबल इंडिया टू, इनक्रेडिबल इंडिया टू ये जो है अभियान शुरू किया गया है। इससे बाजार विशिष्ट प्रचार परियोजना, बाजार के विषय में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विषय में जो है सुदृढ़ता इस जो है इस मिशन के द्वारा लाया जाएगा।